एनआरसी और सीए के विरोध में सपा के प्रदेशव्यापी प्रदर्शन का असर आगरा में भी देखने को मिला। आगरा के सपा जिला कार्यालय पर भारी तादाद में सपाई इकट्ठा हुए, जहां उन्होंने जोरदार अर्धनग्न प्रदर्शन भी किया। नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को लेकर गुरुवार को हुए समाजवादी पार्टी के धरना प्रदर्शन के दौरान युवा सपाइयों ने अर्धनग्न प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कुछ युवा कपड़े उतार कर सड़कों पर आ गए और सरकार की नीतियों के खिलाफ धरने पर बैठ गए। अर्धनग्न प्रदर्शन कर रहे सपाइयों ने केंद्र सरकार की नीतियों को हिटलर शाही करार देते हुए इस काले कानून को वापस लेने की मांग की। ये जो आज प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं, ये सरकार की जो नीतियां हैं, जो जन विरोधी नीतियां, उनके खिलाफ हम लोग प्रदर्शन पे हैं। इस देश में इस टाइम अराजकता का माहौल पैदा इस देश सरकार ने कर दिया है। संविधान का उल्लंघन करते हुए मुस्लिम समाज के लोगों को तुष्टिकरण की राजनीति के तहत, वोट बैंक की राजनीति के तहत इन्होंने पूरे देश को सुलगा दिया है और पूरे देश में छात्रों को बदनाम कर दिया है। जो छात्र अपनी जायज मांग के लिए रोडों पे आते हैं, उनको भी अब लाठियां बरसा के और उन्हें बदनाम करके उनके घरों से निकाल के मार रहे हैं, हॉस्टलों से निकाल के मार रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं। सरकार से किसान परेशान, छात्र परेशान, नौजवान परेशान, घर में बैठे हम जैसे लोग परेशान। हमें आज सत्यता देनी पड़ेगी, आज हमें प्रूफ करना पड़ेगा, मेरे बाप दादा को प्रूफ करना पड़ेगा कि मैं भारतीय हूँ कि नहीं। और इसके लिए मेरी 10 पुस्तें इस देश में, और जब से ये देश बना है तब से मैं इस देश में रहता हूँ। इस देश के मुसलमान जिन्होंने आज़ादी में भागीदारी की, उनको आप सिर्फ 8,799 लोगों जो पाकिस्तान से आए, जो आपकी रिपोर्ट कहती है जो पार्लियामेंट में पेश की गई होम मिनिस्ट्री की, 8,799 लोगों के नाम पे आप 125 करोड़ लोगों को नहीं डरा सकते। ये हमारी मांग है, तब तक आंदोलन जारी रहेगा जब तक आप ये मांगे पूरी नहीं कर लेते। जिस तरीके से आप देख ही रहे, पूरा भारतवर्षी ज्वलनशील की स्थिति में आज स्थिति सरकार ने पैदा कर दी है। आज पूरे भारतवर्ष के छात्र आज इतनी बुरी तरह प्रताड़ित हो रहे हैं, बस कसूर उनका इतना है। वो एक समाज में जो सरकार द्वारा जो गलत नीतियों के तहत उन्होंने जो निर्णय लिया उसका वो विरोध कर रहे हैं, लेकिन आज इस तरीके से आज भारतवर्ष में आज पहली बार देश आजादी के बाद छात्रों को, महिलाओं को, बेटियों को इतनी बुरी तरह से हॉस्टल में, लाइब्रेरी में इतनी बुरी तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, निश्चित तौर पर यह बहुत दयनीय है। उसके तहत आज समाजवादी पार्टी आज हम लोग मुख्यालय पर जाने का काम कर रहे हैं, अपनी शांतिपूर्वक तरीके से अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे, लेकिन ये योगी की ये तानाशाह सरकार ने और इनके 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 पुलिस प्रशासन द्वारा हम लोगों को यहीं पे रोका जा रहा है। लेकिन मैं भी बता देना चाहता हूं कि कोई भी पुलिस प्रशासन, कोई भी ताकत ऐसी नहीं बची जो हमारे समाजवादी पार्टी के नौजवानों को यहां मुख्यालय के जाने से रोके। धन्यवाद। संविधान की धज्जी उड़ाने का काम किया है, आर्टिकल 14 का उल्लंघन किया है, आर्टिकल 21 का उल्लंघन किया है। इन्होंने एनआरसी लाकर पूरे देश को बांटने का काम किया है। हम समाजवादी पार्टी के लोग इस एनआरसी का जो विधेयक लाया गया है, जो कानून बनाया गया है, उसकी हम मजम्मत करते हैं और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आह्वान पर हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम जब तक प्रोटेस्ट करते रहेंगे हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे और हम जेल बनने का काम करेंगे। दरअसल पूरे प्रदेश में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर धारा 144 लागू की गई है। इसी को लेकर ताज नगरी आगरा में सुबह से ही समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं द्वारा सदर तहसील पर नागरिकता संशोधन कानून को लेकर प्रदर्शन करने का आह्वान किया गया था, लेकिन पुलिस प्रशासन के सख्त रवैये को देखते हुए तहसील सदर के बजाय सपाजनों का ये प्रदर्शन सपा जिला कार्यालय तक ही सिमट कर रह गया। सी न्यूज के लिए देवेश शुक्ला की रिपोर्ट।